हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी नाइस वीडियो। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये MJPI रोहिल के लिए विशेष तौर से है। बाकी और लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पर मेन इंपॉर्टेंस इसमें MJPI के लिए देना चाहूँ, क्योंकि मैं MJPI का स्टूडेंट रह चुका हूँ। और ये BA फाइनल जो होता है, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है, उसके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। या आप जानते होंगे कि रेनेसा क्या थी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टर्म है और ये आती है। और इस बार BA फाइनल में 2021 में ये आ चुकी है। वो भी उन्होंने ये केवल और केवल 4 नंबर में शॉर्ट 2 दिए थे, एक रेनेसा और एक रिफॉर्मेशन, दोनों क्वेश्चन दिए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, डिस्कस द फैक्टर डेट लीड टू द राइज ऑफ रेनेसा ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज एंड इट्स इफेक्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये लॉन्ग आंसर है, आप इसे ये लॉन्ग आंसर से ही आप शॉर्ट बना सकते हैं। मैंने ये लॉन्ग में मैं लॉन्ग के लिए तैयार करवा रहा हूँ और 100% आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म रेनेसा लिटरली मीन न्यू वर्क ऑफ लर्निंग इन इंग्लैंड। रेनेसा वाज अ मूवमेंट एज वेल एज अ ग्रेट पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग लर्निंग एंड लिटरेचर। इट बिगिन इन इटली। इटली में ये स्टार्ट हुई थी एंड स्पीड देयर फ्रॉम एब्रॉड और एब्रॉड में फैल गई। एंड इन दैट कंट्री, उस कंट्री में रेनेसा बिगिन 14th century में हुई थी और ये कंटिन्यू रही थी वहाँ पे 15th and 16th century में। इन इंग्लैंड इट्स इन्फ्लुएंस वॉज फेल्ट। इसका प्रभाव जो इंग्लैंड में देखा वो 15th 16th में देखा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे मार्क कर लीजिएगा मार्कर से। इट्स फर्स्ट साइन, इसका जो पहला साइन वो ह्यूमनिज्म है, विच अट्रैक्ट सम ऑफ द इंग्लिश ने अट्रैक्ट, यानी कि लोगों को प्रभावित किया। इंग्लिश जो इंग्लिश मैन थे उन्हें, सम ऑफ द इंग्लिश स्कॉलर्स, सम इंग्लिश स्कॉलर्स जो इंग्लैंड में सेटअप हुए थे, और सम स्कूल, कुछ स्कूल जो क्या करते थे जिनमें लेटिन और ग्रीक पढ़ाई जाती थी। फ्यू स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स थे वो बेंट टू द एक्सटेंट ऑफ मेकिंग लिटरेरी प्रोडक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। तो ये उन लोगों ने इनके प्रभाव में इसका प्रोडक्शन किया, आप जान चुके हैं। तो आइए अब हम इसका नेक्स्ट पैरा वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें जो है वो जो है सब अब आती है ये हमारी, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ, तो उसके बाद जो हम सेकंड पॉइंट डालेंगे वो हम ये डालेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिफॉर्मेशन टू द रेनेसा, यानी कि सहयोग रिफॉर्मेशन का जो रेनेसा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके लिए हम पढ़ते हैं जो इन इंग्लैंड रिफॉर्मेशन जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1517 में और ये 1518 तक रही। कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द रेनेसा। मेरे कंट्रीब्यूशन इज अंडर, कुछ कंट्रीब्यूशंस मैंने बहुत शॉर्ट दे रखे हैं जो कि पॉइंट वाइज है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसने किसे प्रभावित किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन ब्राउट इंग्लिश लैंग्वेज पे। सबसे ज़्यादा द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश गिव अ न्यू लाइफ टू इंग्लिश प्रोज एज वेल एज टू द बाइबल स्टाइल। एंड रिफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द पॉप और रिफॉर्मेशन एक्साइटेड पैट्रियटिज्म इन द इंग्लिश पीपल। आप जान चुके होंगे उस समय में हमारी चर्च में सबसे ज़्यादा स्टडी पॉपुलर थी, तो उसे इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया और लोगों के अंदर उन्हें रिफॉर्म किया और एक उनके अंदर एक न्यू कंट्रीब्यूट सोच लेके आए और फिर उन लोगों का क्या हुआ। उसके बाद हम इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। रेनेसा द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन इंग्लैंड बाय 1516 अ ग्रेट मैन कॉल्ड थॉमस मोरे जो थे उन्होंने एक ग्रेट बुक लिखी जिसका टाइटल था यूटोपिया इन लेटिन। बुक का नाम याद रखिएगा, कब लिखी थी? 1516, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1517 में ये जो मूवमेंट था वो आरंभ हो गया, रिफॉर्मेशन विच इंस्पायर्ड, जिसने विलियम टिंडेल जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया 1522 में, और उन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। थॉमस वाइड ने ये बनाए थे हमारे कजन्स इन इटली एंड फ्रांस में इन 1527 में, और उन्होंने इंग्लैंड लौटने के बाद बहुत सारे सोनेट्स लिखी जो पैटर्सन मॉडल पर बेस्ड थी। उसके बाद दूसरे जो हमारे कंटेम्प्रेरी थे आलोसर ऑल्सो रॉट अ नंबर ऑफ सोनेट, उन्होंने बहुत सारी सोनेट लिखी थी। इन्होंने अपनी सोनेट को एक नया नाम दिया और जो कि इंग्लिश सोनेट के नाम से जानेंगे। बाद में शेक्सपियर ने इनके मॉडल को अपनाया और अपनी सोनेट बनाई, अपनी सोनेट लिखी, और उन सोनेटों को इन्होंने क्या नाम दिया, उन सोनेट को इन्होंने शेक्सपियर नाम दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमारा लास्ट हेडिंग है ये फ्लॉबिंग ऑफ द रेनेसा। हेडिंग ज़रूर डालिएगा MJPRU में, हेडिंग
और पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन रखते हैं उसमें, उनके उसके बाद उसमें मैटर भी होना चाहिए, वो भी अच्छा, तभी मार्क्स मिलते हैं, वरना मार्क्स ही नहीं देते हैं ये। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्लॉगिंग ऑफ द रेनेसा थी वो 1578 से 1625 में हुई थी, जिसमें इन्होंने क्या हुआ था, जिसमें बदलाव हुए थे क्या, ये तो ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक्स, ट्रांसलेशन हुआ क्लासिक्स का। वहाँ पे पहले बेसिकली लेटिन थी, फिर ट्रांसलेशन हुआ क्लासिक्स का। द फाउंडेशन ऑफ रेनेसा हैड बीन लेड बाय 1560, जो 1560 में हुआ था। फिर ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन लिटरेचर का ट्रांसलेशन हुआ था। नंबर ऑफ इटालियन लिटरेरी कंपोजिशन वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड विद द क्लासिकल वर्क इन इंग्लिश, जो इटालियन लिटरेचर्स थी उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। फिर ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच एंड स्पेनिश को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, बेनिफिशियल हो उनके लिए। सम इंग्लिश स्कॉलर्स ऑल्सो ट्रांसलेटेड बुक्स ऑफ फ्रेंच स्पेनिश लिटरेचर, फॉर एग्जाम्पल के लिए रोमांटिक एसेज वर ट्रांसलेट फॉर फ्रेंच टू इंग्लिश। द इफेक्ट ऑफ द, अभी ये लास्ट पॉइंट है हमारा, द इफेक्ट ऑफ द रेनेसा, इसे मार्कर से आप डार्क कर लीजिएगा। द क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामा वॉज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनेसा टू द इंग्लैंड। सून देयर वॉज एन आउटब्रस्ट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, दस रोमन हिस्ट्री, ये प्ले लिखा है, रोमन हिस्ट्री प्ले, ट्रेजडीज कॉमेडीज और ट्रेजिक कॉमेडीज केम इन अबंडेंस। अ ग्रुप ऑफ राइटर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स टर्न टू इंग्लिश ड्रामा, जो एक टर्म आपने सुनी होगी यूनिवर्सिटी विट्स, उसमें 7 जो हमारे राइटर्स थे उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और अभी ये सीक्वेंस में चल रही है वीडियो, तो आप मेनली, मेरा फोकस है कि आप इन जो वीडियोस हैं वो नोट्स बनाएं और अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। और ऑल द बेस्ट, मे बी योर मार्क्स विल बी गुड, सो थैंक यू।